नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। दिल्ली नगर निगम चुनाव पर लगातार हमारी पैनी नजर बनी हुई है। इस वक्त हम लोग बदरपुर विधानसभा के मोलरबंद वार्ड नंबर 181 में है और यहां देखिए आप सुनील डेरी के पास इस वक्त ये हाल है सड़क पर। सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ नाली का निकास नहीं है और इसी मुद्दे को लेकर यहाँ के एक स्थानीय नेता प्रवीणा कुंतल, जो महिला है, वो चुनावी मैदान में कूदी है। आरएलडी इनकी पार्टी है। जानेंगे कि इनका आखिर एजेंडा और मुद्दा क्या है, क्यों इन्होंने सोचा कि इन्हें चुनाव मैदान में आना चाहिए, क्यों आरएलडी से आप चुनावी मैदान में आई है, आपको क्या लगता है जो समस्या यहाँ की है उसका समाधान हो पाएगा? हाँ जी, कूड़ियाँ, गंदगी इतनी रहती है, नाली कूड़े से भरी रहती है, कोई निगम पार्षद आता नहीं है। उन इलेक्शन के टाइम दिखाई देते हैं, बाद में इलेक्शन के टाइम दिखाई देते हैं। घरेलू महिला है जी और चुनावी मैदान में ये उतरी है। महिलाओं की टीम भी है और पुरुष भी, यहाँ पर कुछ स्थानीय पुरुष मौजूद हैं, उनसे बातचीत हम करेंगे। सबसे पहले यहाँ जानते हैं हम, आप बताइए आप लोगों को क्या लगता है, क्यों आखिर आप लोग प्रवीणा जी के समर्थन में हैं? कई पार्टियाँ लड़ रही है चुनाव को, आप और बीजेपी का जोर लोग कहते हैं कि चल रहा है क्षेत्र में, आप लोगों को क्या लगता है? हम लोगों को ये लगता है कि ये मतलब हमारे क्षेत्र का विकास करेंगी। जो गंदगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, नालियाँ सब जगह खुली हैं, पानी बाहर ही बहता है, लैट्रिन का पानी। यहाँ के सबसे ज़्यादा समस्या है कि एक कोई भी कहीं का भी कोई भी प्रत्याशी है, कोई किसी का सुनता नहीं है। एक ये प्रवीणा कुंतल है जो निष्ठा भाव से हर किसी की बात सुनते, घर तक जाके सुनते और दिल से सुनते हैं। हमें लगता है इनको एक पहली पसंद, आप लोगों की पहली पसंद है, इसलिए हमारी पहली पसंद है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी गंदगी है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पानी की है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो बहुत दिन से आपको साफ सफाई होती है सड़क नजर नहीं आएगी, जगह जगह छोटे छोटे कूड़े के ढेर बने हुए हैं और ये स्थिति है। सवाल ये उठता है कि जो पार्षद यहाँ के थे उन्होंने ये काम क्यों नहीं कराया? आप यहाँ के स्थानीय नागरिक है जी, क्या मुद्दा है यहाँ का इस बार निगम में? देखो जी, ये लोकतंत्र का जो है ये पर्व है और हर 5 साल के बाद में जनता को अपना जो लोकल प्रतिनिधि होते हैं, पर्व को जनता समझ रही है। इस बार क्या करने वाले हैं? एक तरफ भाजपा है, आम आदमी पार्टी है और आपके यहाँ से ही एक निर्दलीय आरएलडी की उम्मीदवार भी है प्रवीणा। देखो, पब्लिक का जो आज के टाइम में जो मूड है ना, वो पार्टी के लिए नहीं है, पार्टी के लिए आज जनता ये चाहती है कि जो भी उनका कैंडिडेट हो वो समाज से जुड़ा हुआ हो, जनता के लिए ईमानदार हो। समय दे, प्रवीणा जी के लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? प्रवीणा कुंतल जी ही जीतेंगी यहाँ से, बाकी जीतेंगे क्या छवि है? बाकी छवि ये है कि पिछले 5 साल में किसी कौंसलर ने यहाँ गलियों में आकर भी नहीं देखा। आप देखो, युवा है जी, क्या मुद्दा है युवा का इस बार? जी, युवा का ये मुद्दा है, जब से अभी तो खैर कुछ है नहीं है, तब इनके आने पर इतनी साफ सफाई देखी है हमने, जगह जगह नालियाँ साफ करवाई हैं, पुलिया बनवाई जगह जगह इनने, ठीक है, बिना किसी पद पर रहते हो? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं जी, क्या होगा वार्ड 81 में, 181 में? हम तो चाहते हैं कि जी अच्छे विकास हो पूरे इसमें, गली मोहल्ले का ऐसे साफ सफाई हो, अपनी देख रेख सही रहे, सर यही अपना सही। कौन सा उम्मीदवार पसंद है जी? हमारे प्रवीणा कुंतल जी है जी, बिल्कुल। हेलो, मेरा नाम मुनीश कुमार है। इस एरिया मैंने जब से देखा है कई पार्षद बन चुके हैं, लेकिन बनने के बाद कोई शक्ल दिखाने के लिए नहीं आता है। तो पार्षद तो कह रहे हैं एमसीडी में जो भी पार्षद रहे उन्होंने कहा हमने जो है इतनी साफ सफाई कर दी कि तीन तीन कूड़े के पहाड़ दिखने लगे जी। आपने साफ सफाई कर दी, आप रोड पर आकर देखिए, हमारी गलियों में देखिए, गलियां पूरी भरी पड़ी है। मतलब इसको अछूता ही छोड़ दिया, कुछ नहीं किया यहाँ? कुछ नहीं किया आज तक, नहीं हुआ 5 साल से, अभी तक कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। क्यों नहीं हुआ जी, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, पार्षदों ने काम क्यों नहीं किया? उनको आराम खानी पड़ती है ना, बीजेपी कोई काम करता ही नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं जी हम तो अच्छी साफ सफाई करेंगे, हमें ले आओ गली में, आकर जाओ, कहीं भी कोई साफ सफाई नहीं है, कुछ भी देख लो आप, कहीं भी चले जाओ। किसे चुनेंगे आप अपने वार्ड से? अपने वार्ड से हम इनको सुनेंगे, प्रवीणा कुंतल जी को सुनेंगे। प्रवीणा कुंतल को चुनेंगे जी, आप कहाँ से? जी मैं मोरबंद से ही हूँ। क्या है पांडे जी मुद्दा? मुद्दा मेरा ये है कि मैं यहाँ 26 साल से रह रहा हूँ और हमारी जो प्रत्याशी प्रवीणा कुंतल जी है वो यहाँ से जमीनी परिषद जुड़ी हुई है और यहाँ पे अभी पिछले मौसम में जो बरसात का मौसम गया है, आप पूरी कॉलोनी में इतना वो तो दिख रहा है। नॉर्मली आप देख रहे हैं कि जब बरसात का मौसम नहीं है, दिल्ली को बारिश चाहिए, पॉल्यूशन बढ़ रहा है और ऐसी स्थिति में पानी की बौछारें तो नहीं बरस रही है, लेकिन सड़क पर पानी आपको जरूर दिख जाएगा जो कि गंदा पानी है। ये तमाम मुद्दा है, लगता है इस बार जनता जिस हिसाब से आपके साथ समर्थन में आ रही है यहाँ से आपकी जीत होगी? हाँ जी, पक्का हो, पक्का जी, हाँ जी, पक्का जीत होगी, जीत होगी। प्रवीणा कुंतल, प्रवीणा कुंतल। बिल्कुल, तो
तो आप देख रहे हैं यहाँ पर परवीना कुंतल के जो समर्थक हैं उनमें एक उत्साह है और इसी उत्साह के साथ चुनावी मैदान में ये सभी परवीना कुंतल का मोलरबंद वार्ड 181 से समर्थन कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ दिल्ली NCR की हर अहम खबर से अपडेट रहने के लिए। कैमरा पर्सन मिथुन के साथ मैं अभिषेक कुमार।